नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इलेवंथ क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। इलेवंथ क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तीसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर है। और वैसे सीक्वेंस में देखें तो आपका 10वां चैप्टर है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इलेवंथ क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पहला वीडियो है उसका। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर 8 समझ में आ चुका होगा, क्योंकि चैप्टर 8 सेल है। अगर बेसिक सेल के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन समझ तो सकते हैं आप, लेकिन उतना अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जो नए स्टूडेंट है उनको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 8 आप पहले देखिए पूरा, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आइए, अगर आपको तरीके से सीक्वेंस से पूरी चीजें समझनी है तो। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा नोट्स के लिए जो बच्चे नोट्स चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्टोर सेक्शन में जाके नोट्स और ऐप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियोस की बात करें तो वीडियोस आपको मिल रहे हैं इस तरीके से, और इनको अच्छे से देखते जाइए और समझते जाइए। इस चैप्टर की बात करते हैं अब। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 10 है इलेवंथ क्लास बायोलॉजी का। इलेवंथ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, टॉपिक है, देखो ये कई बच्चों के टेस्ट में आ गया होगा फर्स्ट टर्म में, या कई बच्चों के सेकंड टर्म में आएगा, और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी अच्छा पढ़ाया हुआ है पूरा, लेकिन उसमें क्या हुआ है, उल्टा पुल्टा थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है, तो वो सीक्वेंस समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है कि आपको पूरा सिस्टम से चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे टॉपिक हम कैसे पढ़ने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है, इसकी नीड क्या है। ठीक है, फिर हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। सेल साइकिल में पहले हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एम फेज, एम फेज में क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, चार ही हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, इसके बाद क्या चीजें हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या है, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस पूरा हो गया, मियोसिस स्टार्ट करता है। थोड़ी सी शादी ब्याह का अभी माहौल है तो आवाज आ रही होगी, तो इस चीज को इग्नोर करें। मियोसिस पढ़ना है, मियोसिस में मियोसिस वन और मियोसिस टू, ये कमाल की बात है। मियोसिस में दो मियोसिस होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है, वही चीज में प्रोफेज वन, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी ये क्योंकि मियोसिस वन के अंदर है तो इनको प्रोफेज वन बोल देते हैं, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। ठीक है, इसके बाद मियोसिस सेकंड में वही चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, क्योंकि ये सेकंड है तो इसमें इसको सेकंड बोल देते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखनी कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन जो होता है, प्रोफेज वन में पांच स्टेजेस और होती हैं, प्रोफेज वन में पांच स्टेजेस और होती हैं, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डायगेनेसिस। याद रखना, पहले उल्टा पुल्टा मत कर देना, पहले है लेप्टोटीन, फिर है जैगोटीन, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डायगेनेसिस। ठीक है, ये इस तरीके से ये सीरीज चलेगी इसकी। ठीक है, इसके बाद जब पूरा पढ़ लेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमने देखा था, वैसे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे कि मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पेशल पॉइंट देखेंगे इस पूरे चैप्टर के, कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु इस पॉइंट के, इस चैप्टर के क्या है। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ने स्टार्ट कर दिया हमने, सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इस चैप्टर के बारे में बताया गया है, मतलब ये चैप्टर एक्चुअली है किसके बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक बहुत बड़े व्हेल फिश हो, ठीक है, अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। ठीक है, सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होगी, वो सेल डिवाइड होगा और नई नई लाइफ, नए नए सेल उससे बनते जाएंगे और फाइनली बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन वो बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लार्जेस्ट एनिमल हो या कुछ भी हो इस दुनिया में,
उसकी जो लाइफ साइकिल है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम भी सिंगल सेल से बने थे, एक स्पर्म है एक ओवा है, दोनों सेल फ्यूज हुए तो एक सेल बना जायगोट, और इस जायगोट से ही हमारे सारे सेल आगे जाके बनते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में नहीं है लेकिन सारे में ही, मतलब सब में ही ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ठीक है। मतलब सेल किसी में भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, ठीक है। सेल के अंदर, सेल किसी भी प्रकार का हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा, ठीक है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, सारे सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू, मतलब सेल दो भागों में डिवाइड होता है, विद ईच पेरेंटल सेल्स गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल बना दिया मैंने, तो जब ये डिवाइड होता है तो दो सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। ये दो सेल में इस तरीके से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे दो सेल इससे बन जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल, ये पेरेंटल सेल है, गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल, ये डॉटर सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है, डॉटर सेल है। इनको सन सेल क्यों नहीं बोलते, ये आप मुझे बताना कमेंट करके, ये पेरेंट सेल बोलते हैं इसको, डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू With each parental cells giving rise to two daughter cells, each time they divide. हर टाइम, अब यहाँ से division होगा तो इससे दो सेल बनेंगे, फिर इससे दो सेल बनेंगे, ठीक है, तो ये process तरीके से चलता ही जाएगा, ठीक है, clear ये बात। These newly formed daughter cells are themselves grow and divide and give rise to new cells population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny, ठीक है। देखो अब ये जो daughter cell है, ठीक है, ये आगे फर्दर डिवाइड करेंगे और इससे नए सेल बनेंगे, लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ तभी जब पेरेंटल सेल जो है, ये जो पेरेंटल सेल है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है। देखो वही बात बताई गई है, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी, सिंगल पेरेंटल सेल और इसकी प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब संतान, ठीक है। तो ये सिंगल पेरेंटल सेल था, इसकी प्रोजेनी थी, फिर इस प्रोजेनी से बहुत सारे आगे सेल बन गए, लेकिन ये सब हुआ कैसे, पेरेंटल सेल की ग्रोथ हुई, वो रिप्रोडक्शन कर पाए, तभी तो ये संभव हो पाया। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तभी तो ये पूरा पॉसिबल हो पाया है प्रोसेस, ठीक है, क्लियर ही बात। सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल, इस तरीके की जो साइकिल है ग्रोथ और डिवीजन की, ग्रोथ भी हो रही है और डिवीजन की जो साइकिल है इस तरह की, वो अलाउ करती है सिंगल सेल को ताकि वो फॉर्म करे स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल, इस तरीके के सेल की जो मतलब इस तरीके के सेल की जो ग्रोथ और डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है वही कई सारे सेल को जन्म देती है और इससे मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल बन जाएंगे, इससे सेल बनेगा, ये दोनों फिर डिवाइड करेंगे, फिर उनसे और फर्दर डिवीजन होगा, इस तरीके से मतलब हर सेल दो सेल में डिवाइड होते जाएगा और बहुत सारे सेल बनते जाएंगे, ठीक है। अब इनमें क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रहता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसके बाद जो चीजें हैं वो देखते हैं। दोस्तों सेल साइकिल शुरू करते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस, जब एक डिवीजन होता है सेल का, सेल का जब डिवीजन होता है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक तो, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा और सेल ग्रोथ होगी, ठीक है, सेल ग्रोथ भी होगी, सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रो करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होंगे, ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर current division and formation of progeny cells
कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, कोई याद कर रहा है शायद एचकेआरई वर्ड, ठीक है चलिए अवॉइड कीजिए इसको. दीज ऑल ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल ग्रोथ हुआ, हैव टू बी टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे. ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट वे में होंगे, एग्जैक्ट सीक्वेंस में होंगे, ठीक है. तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो है ये कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे टू एंजॉय करंट डिवीजन, ठीक है, ताकि डिवीजन जो है सही तरीके से हो पाए. एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और फॉर्मेशन होगा किसका, प्रोजेनी सेल्स का, मतलब जो संतान सेल्स है उनका, कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, ताकि उनके पास इंटैक्ट जीनोम हो. इंटैक्ट जीनोम मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जीनोम हो, ठीक है, पूरा सही तरीके से जीनोम हो, सही सलामत जीनोम हो. तो पूरा प्रोसेस क्यों रहा है, ताकि जो जीनोम है वो सही सलामत से रह पाए और उसका डिवीजन जो है वो सही सलामत तरीके से हो पाए, ठीक है. द सीक्वेंस इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है, देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल डुप्लीकेट्स इनटू जीनोम, सेल डुप्लीकेट्स करता है इनटू जीनोम, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. तो सेल डुप्लीकेट करता है अपने आप को जीनोम में, ठीक है, जीनोम डुप्लीकेट करता है मतलब. सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल भी सिंथेसाइज होते हैं एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और इवेंचुअली एक सेल से दो सेल बन जाता है, ठीक है. ये जो पूरा सीक्वेंस है प्रोसेस ना, इसको सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है. ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में अगर हम बात करें तो सेल ग्रोथ जो होती है इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल ग्रोथ. डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक है. देखो सेल ग्रोथ जो होती है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस जो होता है, डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे होता है, एस फेज में. एस फेज में डीएनए सिंथेसिस का काम होता है. तो डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक है, क्लियर है ये बात. लास्ट पॉइंट है द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए बोलो क्रोमोसोम बोलो एक ही चीज है, ठीक है. तो रेप्लिकेटेड डीएनए या क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय विच अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब क्या होता है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम या वो डीएनए दो सेल के अंदर इक्वली जाता है, ठीक है, और वहां से दो सेल नए बनते हैं एंड बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान ये सब होता है, ठीक है. These events are themselves under genetic control. और ये इवेंट जो है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर रहते हैं. ये पूरा इवेंट जो है मतलब न्यूक्लियाई का डिवाइड होना, दो सेल के अंदर जाना, ये पूरा जो इवेंट है वो किसके अंडर होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात. ये होप आप समझ गए होंगे. ये पार्ट वन था सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर का. जल्दी ही मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Love you all.